Hey guys, welcome and subscribe to my channel Stylish Beautifully. So guys, finally Kareena Kapoor Khan ने अनाउंस कर दिया है सोशल मीडिया पर कि वो वापस आ रही हैं मुंबई और ये पिक्चर भी पोस्ट की है साथ में और ये पिक्चर उनकी क्लिक की है उनके हस्बैंड सैफ अली खान ने. जैसे आप देख सकते हो बैक मिरर से करीना कपूर खान ने लिखा, आई एम कमिंग होम, समर हैज़ ऑफिशियली एंडेड, गेट अप स्टैंड अप गेट टू वर्क मुंबई, आई एम रेडी फॉर यू. सो गाइज, अभी मुंबई आके उन्हें बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल मिलने वाला है क्योंकि उनकी मूवी रिलीज़ जो हो रही है लाल सिंह चड्ढा उसकी डेट बस आ गई है 11 अगस्त को है. तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगी करीना कपूर खान को और रिटर्न आते ही लग जाएंगी वो अपनी मूवी लाल सिंह चड्ढा की प्रमोशन के लिए और वो भी आमिर खान के साथ. अब तक आमिर खान अकेले ही इस मूवी की प्रमोशन कर रहे थे क्योंकि करीना कपूर खान को एक महीने से भी ज़्यादा हो गया है लंदन में समर वेकेशन करते हुए, लेकिन अभी मुंबई आके उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आमिर और करीना मिलके इस मूवी को प्रमोट करेंगे. और बोला जा रहा है कि करण जौहर के चैट शो कॉफ़ी विद करण में आमिर और करीना इकट्ठे आएंगे क्योंकि इससे इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी. क्योंकि आप जानते कि जब भी करीना कपूर खान कॉफी विद करण में आती है तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स ऐसी देती हैं जो कि हेडलाइंस बन जाती हैं. करीना कपूर खान को काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि उन्हें बिल्कुल भी लाल सिंह चड्ढा मूवी की प्रमोशन में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो इतने क्रूशियल टाइम है प्रमोशन के वक्त वो चली गई थी समर वेकेशन. लेकिन अभी फाइनली करीना आ रही है मुंबई, अभी देखना ये है कि कितना प्रमोट करेंगी वो इस मूवी को. सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय.